भारतीय दवा कंपनी के बनाए गए कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में करीब 18 बच्चों की मौत होने की खबर मिल रही है। उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा बनाया गया खांसी का सिरप लेने से उज्बेकिस्तान में करीब 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत में बने कफ सिरप लेने से उनके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में ये जानकारी दी। साथ ही मंत्रालय का दावा है कि बच्चों ने भारत की कंपनी मैरियन बायोटेक के डॉगबन मैक सिरप का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि मौतें समरकंद शहर में हुई। मंत्रालय ने कहा कि अब तक सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉगबन मैक सिरप लेने की वजह से हुई। जांच में पाया गया कि मृत बच्चों ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले इस दवा को 2 से 7 दिनों के लिए दिन में 3 से 4 बार लिया था। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इस घटना पर DH के सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के समक्ष एक फाइल रखी गई थी, जो रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में फार्मास्यूटिकल विभाग के भी प्रमुख है। बता दें कि नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक ने भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि अक्टूबर में WHO ने 4 खांसी की दवाइयों के नमूने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि खांसी की दवा डाइथेनल गाइकोल और इथिलीन गाइकोल इंसान के लिए जहर की तरह हैं। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत में बनने वाले कफ सिरप से 60 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेड इन इंडिया कप सिरप बेहद जानलेवा है। पहले गाम्बिया में इसे पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों को इस सिरप ने मौत के घाट उतार दिया। मोदी सरकार को इन दवाइयों कंपनियों पर तुरंत कंट्रोल करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।